युवा राजपूत सभा पूरी तरह से वहां पर दावा बोलती है, उसके बाद कल गौरव गुप्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो मेंबर है वो वहां पर आते हैं, आज भाजपा आती, इतनी देरी क्यों? नहीं, भाजपा तो पहले भी आए थे, भाजपा क्यों नहीं आए पहले? हम तो पहले आए थे, सड़क पर नहीं निकले, कांग्रेस की सरकार थी। सत्ता में होता है, सत्ता में होता है गंगा साहब, की उम्मीद तो उसी से होती है। आप केंद्र में भी सत्ता में हैं, परिवहन मंत्री आपके नितिन गडकरी, वो टोल की बात करते हैं कि 60 किलोमीटर के दायरे में नहीं होगा। अब प्राकृतिक आपदा आई है तो हिमाचल की सरकार हटा रही है, तो जम्मू कश्मीर का प्रशासन क्या? मैंने आपको बड़ा क्लियर कट बोला है कि हम इसके विरोध में हैं, हम इसके विरोध में हैं। यानी हम आपको सरोवर टोल प्लाजा पे दिखेंगे प्रदर्शन करते, हम आपको देख सकते हैं वहाँ पर, युवा राजपूत सभा तो बुलडोजर लेकर। हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, ये मुस्कुराहट की बात क्या है? मन में कुछ और चल रहा है, जुबान पे कुछ और तो नहीं आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर। नहीं, उस बुलडोजर के साथ ही बनेंगे आप, सब कुछ ठीक होगा, बुलडोजर के साथ सब कुछ ठीक होगा। धन्यवाद, धन्यवाद। वो सारे डिस्कस हुए थे। अब हाईवे अथॉरिटी जो है इंडिपेंडेंट बॉडी है, होगा या नहीं होगा गंगा साहब, आपकी जुबान से सुनना चाहिए। क्यों नहीं होगा? होगा, कितना समय लगेगा? बहुत जल्द, बहुत गंगा का पूरी एग्रेसिव रूप नजर आएगा कि नहीं आएगा? 21 तारीख गुस्सा नजर आएगा, आएगा आएगा, कितना आएगा आएगा, वही उसी टोल पर, उसी टोल पर कितने लोग आपके साथ धावा बोलने वाले हैं? चलो ठीक है, कितने लोग होंगे धावा, कितने लोग बोलेंगे चंद्र प्रकाश गंगा के साथ इस बार, क्योंकि आज आप सत्ता में है, विपक्ष में नहीं है, किरदार बदल गया है, लेकिन नियत वही होनी चाहिए। चलो हम थोड़ा पहले हमें वेट एंड वॉच कर लेने दो। राजपूत सभा के बाद ही क्यों कहते हैं कि वो सामाजिक संगठन है, राजनीति में कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन तमाम लोग कहते हैं कि राजनीतिक उनका चेहरा ही नहीं है, राजनीतिक उनका परिदृश्य नहीं है, आप लोग राजनीतिक चेहरे हैं, नुमाइंदे राजनीति? मेरी बात सुनिए, मैं सन ऑफ द साइल हूँ, आपको ये मालूम होना चाहिए कि मेरा डिस्ट्रिक्ट है, मेरा इलाका है, मेरी कंस्टिट्यूंसी है, मेरा फ़र्ज बनता है कि मेरे अगर लोगों को वहाँ की किसी किस्म की मुश्किलात हो तो उसके लिए खड़ा होना और बात करना। कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन से अपना काम कर रही है वो करे। भारतीय जनता पार्टी खड़ी है इस बात के लिए कि टोल जो है जहाँ से सस्पेंड हो सस्पेंड हो। आप पर सवाल उठाए जाते हैं कि आप हर बार एमएलए की कुर्सी, किसी भी राजनीतिक दल का हो, एमएलए की कुर्सी सलाथिया साहब की पक्की है, जनता की आवाज़ है, लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सलाथिया साहब सड़क पर नजर क्यों नहीं आ रहे, उस टोल को अगर 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 ये हमने रिक्वेस्ट की है और इस पर इमीडिएटली सस्पेंशन होती, अगर मुझे सड़क पे भी उतरना पड़ेगा तो मैं पीछे हटने वाला हूं। जब भी आप कहेंगे युवा राजपूत सभा ने एक आवाज बुलंद की सरोवर टोल प्लाजा के बाद, उसके बाद गौरव गुप्ता सामने आते हैं, पत्रकार वार्ता करते हैं, अब भाजपा के नेता सामने आते हैं, चाहे चंद्र प्रकाश गंगा की हम बात करें, चाहे हम सुरजीत सिंह सलाथिया की बात करें, अब उनका क्या कहना है सरोवर टोल प्लाजा को लेकर, आपको इन तस्वीरों में बता रहे हैं। जी, हम अपना काम कर रहे थे, जो हमारा हमारी केंद्र में हमारी सरकार है मोदी जी की, और हम आज से जब ये काम शुरू नहीं हुआ था रोड का, अभी जस्ट टेंडर हुए थे, अभी वो जगह वगैरह अपने देख रहे थे कहाँ प्लांट लगाना है, हम उस वक्त हमारे मैं आपको वो प्रेस में भी आया था वो, और उसका वो रिलीज भी दे सकता हूँ, हमने उस वक्त उनके साथ मुद्दा उठाया था कि ये अब रोड का काम शुरू होगा तो टोल ये बंद कर दीजिए, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। सर, आज कल युवा राजपूत सभा पूरी तरह से वहां पर दावा बोलती है, उसके बाद कल गौरव गुप्ता फॉर्मर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो मेंबर है वो वहां पर आते हैं, आज भाजपा आती, इतनी देरी क्यों? नहीं, भाजपा तो पहले भी आए थे, भाजपा क्यों नहीं आई पहले? हम तो पहले आए थे, सड़क पर नहीं निकले, कांग्रेस की सरकार थी, जब से प्रशासन काल बना हुआ तब से। देखो देखो, बेसिकली ये जो आफत आई है, मैंने आपको यही कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने ऊपर मिनिस्टर को ये रिपोर्ट दी कि हमने रोड बिल्कुल क्लियर दे रहे हैं, जो फोर लेनिंग रोड जो है वो हम क्लियर दे रहे हैं, वेयर एज ऑन ग्राउंड जो है वो नहीं है, इसीलिए हम सड़कों पर आएंगे। मिनिस्टर को हाईवे अथॉरिटी जो है वो मिसलीड कर रही है, मिसगाइड कर रही है, इसलिए हम उनके विरोध में आए हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी के। अभी आपने कहा कि ऑपोजिशन रही ही नहीं है, लेकिन ऑपोजिशन कहती है कि हमारी आवाज़ को जो है वो हमेशा दबाने की कोशिश की जाती है, जब भी हम प्रदर्शन करते हैं पुलिस को आगे करते हैं। देखिए, ऐसा है कि मैं इस चीज़ का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, जो करते हैं वो अपना रिस्क लेके करते हैं, अगर हमने किया था
तो हमने जेलें भी काटी हैं। लेकिन जो सत्ता में होता है, सत्ता में होता है गंगा साहब की उम्मीद तो उसी से होती है। आप केंद्र में भी सत्ता में हैं, परिवहन मंत्री आपके नितिन गडकरी, वो टोल की बात करते हैं कि 60 किलोमीटर के दायरे में नहीं होगा। अब प्राकृतिक आपदा आई है तो हिमाचल की सरकार हटा रही है, तो जम्मू कश्मीर का प्रशासन। मैंने आपको बड़ा क्लियर कट बोला है कि हम इसके विरोध में हैं, हम इसके विरोध में हैं। यानी हम आपको सरोवर टोल प्लाजा पे दिखेंगे, प्रदर्शन करते हो, हम आपको देख सकते हैं वहाँ पर। युवा राजपूत से तो बुलडोजर लेकर हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, ये मुस्कुराहट की बात क्या, मन में कुछ और चल रहा है, जुबान पे कुछ और तो नहीं आ रहा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर। नहीं, उस बुलडोजर के साथ ही बनेंगे आप, सब कुछ ठीक होगा, बुलडोजर के साथ सब कुछ ठीक होगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं आज नहीं आया हूँ मैडम, मैंने आपको चार बार बोल चुका हूँ, फिर आप बाद में आते हो। मैं आज से 5-6 महीने पहले वहाँ पर जुगल जी के साथ हमारी प्रेस रिलीज भी आई थी कि हम उनसे मिले कि टोल प्लाजा बंद होना चाहिए, और भी इश्यूज़ है जो रोड के, वो सारे डिस्कस हुए थे। अब हाईवे अथॉरिटी जो है इंडिपेंडेंट बॉडी है। होगा या नहीं होगा गंगा साहब, आपकी जुबान से सुनना। क्यों नहीं होगा, होगा। कितना समय लगेगा? बहुत जल्द, बहुत गंगा का पूरी एग्रेसिव रूप नजर आएगा कि नहीं आएगा 21 तारीख? गुस्सा नजर आएगा? आएगा आएगा। कितना आएगा, आएगा। वही उसी टोल पर, उसी टोल पर कितने लोग आपके साथ धावा बोलने वाले हैं? चलो ठीक है, कितने लोग होंगे धावा, कितने लोग बोलेंगे चंद्र प्रकाश गंगा के साथ इस बार, क्योंकि आज आप सत्ता में है, विपक्ष में नहीं है। किरदार बदल गया है लेकिन नीयत वही होनी चाहिए। चलो हम थोड़ा पहले हमें वेट एंड वॉच कर लेने दो, अगर हमें ठीक रिस्पांस नहीं आता तो हम नजर भी आएंगे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई है, क्योंकि ये टोल प्लाजा का इशू पहले भी ये लाइव था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक दिक्कत थी कि जो रोड की अब कंडीशन है, आपका पुल का डैमेज होना, और जो सारी बाकी की सर्विस लाइन जितनी भी हैं आप देखें तो आने जाने के लिए काफ़ी दिक्कत है, और जो समय हमें 1 घंटा तक लगता था आज 3-4 घंटे लग रहे हैं, तो जिसकी वजह से पार्टी ने ये स्टैंड लिया है और हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटी से अप्रोच किया है कि इमीडिएटली इस टोल को सस्पेंड किया जाए। राजपूत सभा के बाद ही क्यों कहते हैं कि वो सामाजिक संगठन है, राजनीति में कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन तमाम लोग कहते हैं कि राजनीतिक उनका चेहरा ही नहीं है, राजनीतिक उनका परिदृश्य नहीं है, आप लोग राजनीतिक चेहरे हैं, नुमाइंदे राजनीति। मेरी बात सुनिए, मैं सन्नाफा साहिल हूँ, आपको ये मालूम होना चाहिए कि मेरा डिस्ट्रिक्ट है, मेरा इलाका है, मेरी कंस्टिट्यूंसी है, मेरा फर्ज बनता है कि मेरे अगर लोगों को वहाँ की किसी किस्म की मुश्किलात हो तो उसके लिए खड़ा होना और बात करना। कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन से अपना काम कर रही है वो करे, भारतीय जनता पार्टी खड़ी है इस बात के लिए कि टोल जो है जहाँ से सस्पेंड हो। आप पर सवाल उठाए जाते हैं कि आप हर बार एमएलए की कुर्सी, किसी भी राजनीतिक दल का हो, एमएलए की कुर्सी सलाथिया साहब की पक्की है, जनता की आवाज़ है, लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सलाथिया साहब सड़क पर नजर क्यों नहीं आ रहे, उस टोल को अगर 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 ये हमने रिक्वेस्ट की है और इस पर इमीडिएटली सस्पेंशन होती, अगर मुझे सड़क पे भी उतरना पड़ेगा तो मैं पीछे हटने वाला हूँ। जब भी आप कहेंगे। कहते हैं कि अगर हमें सड़क पर भी उतरना पड़े और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अगर हमारी बात नहीं मानती है इसको सस्पेंड करने के लिए, तो हम सड़क पर उतरेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, ऐसा चंद्र प्रकाश गंगा का कहना है, ऐसा सुरजीत सिंह सलाथिया का कहना। हालांकि आने वाला समय कैसा होगा ये तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही तय करेगी, क्योंकि इस बार तमाम सवालों के जवाब उन्हीं के पास है। आप यूँ हमारे बने देखते विश्व जम्मू सुहा।